हमारी पबजी में हुई मुलाकात। पबजी खेलते खेलते तकरीबन 2 महीने तक तो पबजी खेलते रहे, फिर नंबर दिए एक दूसरे को, एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे, ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपना सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती, सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे, बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बाद एक और मामला है जो सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है, वो है सीमा हैदर का मामला। आइए इस वीडियो में हम इस मामले में पूरे डिटेल में बात करते हैं कि ये कितना सच है और कितना झूठ। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और प्रयागराज के सचिन की लव स्टोरी इन दिनों हर किसी के जुबान पर है। पाकिस्तान से शारजाह, शारजाह से नेपाल, फिर नेपाल से भारत, यहाँ तक आने का सफर सीमा हैदर का बेशक मुश्किल भरा है, लेकिन सचिन को पाकर अब वो काफी खुश है। वो अब भारत में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एक समय तो ऐसा भी आया था कि उन्होंने मान ही लिया था कि वो सचिन से शायद ही कभी दोबारा मिल पाएंगे। फिर सीमा ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो अपने बच्चों को लेकर भारत जरूर आएंगे, और इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। सीमा ने बताया कि उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो पाकिस्तान में रहकर पूरी जिंदगी रोती रहे, या फिर किसी भी तरह भारत आ जाए ताकि अपनी जिंदगी खुशी खुशी यहाँ बिता सके। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें ताउम्र इस चीज का पछतावा हो कि उन्होंने सचिन को पाने के लिए एक कोशिश भी नहीं की। सीमा की ये कोशिश रंग भी लाई, उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट से मदद ली, उसी ने उसे बताया कि वो कैसे भारत आ सकती हैं। मार्च में तो पहले ही सचिन और सीमा नेपाल में मिल चुके थे, दोनों एक साथ 7 दिन नेपाल में रहे भी थे। सीमा पहले ही भारत आ जाना चाहती थी, लेकिन उस समय उनके पास उतने रुपए नहीं थे। चारों बच्चों समेत शारजाह से नेपाल आने के लिए उन्हें 12 लाख रुपयों की जरूरत थी और उनके पास सिर्फ 8 लाख रुपए ही थे, जिसमें से 3 लाख रुपए नेपाल ट्रिप में खर्च हो गए थे। सचिन ने भी पैसों का जुगाड़ करने की कोशिश की, लेकिन पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। फिर मई में पता चला कि फ्लाइट टिकट सस्ते हो गए हैं, उसने फिर जल्दी टिकट बुक की और फिर 11 मई को टूरिस्ट वीजा पर बच्चों के साथ नेपाल के काठमांडू आ पहुंची। काठमांडू से पोखरा वो एक प्राइवेट गाड़ी के जरिए पहुंचे, फिर उसने पोखरा से दिल्ली चलने वाली एक प्राइवेट बस बुक की। कुल 28 घंटे का सफर करके फिर वो यमुना एक्सप्रेस वे के फुलेरा कट के पास उतर गई। सफर के दौरान वो अपने प्रेमी सचिन को पूरा अपडेट देती रही। फिर जब वो फुलेरा कट के पास उतरी तो सचिन पहले से ही वहां मौजूद था। फिर वो उन्हें लेकर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में पहुंचा। यहां उसने दोस्त की मदद से किराए का मकान लिया। मकान का किराया 2500 रुपए प्रति महीना था। मकान मालिक गिरिजेश ने बताया कि सीमा और सचिन उनके पास 13 मई के दिन आए थे। दोनों ने बताया था कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की है, इसलिए मकान मालिक ने भी उन पर भरोसा करके उन्हें वो मकान सौंप दिया। सचिन वहीं पास में किराने की दुकान पर काम करता था, वहीं सीमा अपने बच्चों के साथ घर में रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी, बस अपने में ही रहती थी, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा। बता दें कि सचिन के घर वालों को भी इसकी जानकारी थी, उसने पहले से ही उन्हें सीमा के बारे में बता रखा था, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। दरअसल सीमा चाहती थी कि सचिन उससे लीगल तरीके से शादी करे, इसलिए दोनों ने एक वकील को हायर किया। वकील ने इसके लिए 30 जून की तारीख तय की। कोर्ट मैरिज की चाह ने ही सीमा को पकड़वा दिया। जब 30 जून को दोनों कोर्ट मैरिज के लिए बुलंदशहर पहुंचे तो वकील ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। जैसे ही वकील ने देखा कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है तो उन्होंने कहा कि वो ये शादी नहीं करवा सकते क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। इसके बाद जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो सीमा के और सचिन के तलाश में जुट गए। जैसे ही इस बात की भनक सचिन और सीमा को लगी तो उन्होंने एक प्लान बनाया और वो ग्रेटर नोएडा से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से दोनों की लोकेशन को ट्रेस किया और जल्द ही वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। फिलहाल कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी इस मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है। सीमा अब यही भारत में रहना चाहती हैं, तो वहीं उसका पहला शौहर चाहता है कि वो वापस लौट आए। सीमा का कहना है कि वो पहले पति गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि सचिन के साथ ही उसकी पूरी जिंदगी पत्नी बनकर रहना चाहती हैं। हमारी पबजी में हुई मुलाकात,
फर्स्ट टाइम तो हम साथ में गेम खेलते थे वहीं में, अचानक एक बार अचानक से आ जाते हैं, कहीं सऊदी का भी होता है, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब मिलके ही खेलते हैं, चार चार लोग खेलते हैं, तो हम ये अचानक से अपने दोस्त के संग खेल रहे थे, तो ये दो आ गए हमारे साथ, तो उसे पबजी खेलते खेलते तकरीबन दो महीने तक तो पबजी खेलते रहे, फिर नंबर दिए एक दूसरे को, एक दूसरे को अपनी कंट्री दिखाते थे, ये मुझे अपनी दिखाते थे, मैं इनको अपनी दिखाती थी, कोई बारात जाए कुछ भी हो जाए, ये मुसलमान है ये हिंदू हैं ये दिखाए, मैं भी उनको मुसलमान वहाँ के हिंदू दिखाती थी, जैसे जैसे हमारी वीडियो कॉल चलती थी एक दूसरे को अपनी सिटी, मतलब इंटरेस्ट इस तरह बढ़ा कि इंडिया का है, मैं पाकिस्तान में भारत वाले से बात कर रही हूँ, ये बड़ी खुशी होती थी मुझे वहाँ पे, तो इनकी मतलब शहर देख के भी सेम सेम है, तो अच्छा सा लगता था, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया, बात चलती गई चलती गई, तो आदत सी बनने लगी, फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी, सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं, ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती, सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे, बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों, इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है, तो इनका पासपोर्ट था नहीं ना मेरा पासपोर्ट था, मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना, बच्चों का पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें खाली, कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया, तो उसमें मेरा वीज़ा नहीं लगा नेपाल का, फिर दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया सीमा गुलाम हैदर के नाम से, उसमें मेरा वीज़ा लग गया, फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए पासपोर्ट वालों को, उन्होंने बना के ना दिए, 100 कागज़ बताते ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ, तो समय पे समय लगता जा रहा था, तो मैंने कहा तुम आ जाओ, फिर नेपाल का पता पड़ा ना नेपाल में इंडियन मतलब ऐसे आ सकते बगैर वीज़ा, तो मैंने कहा तुम नेपाल आ जाओ हम वहीं मिलेंगे, तो ये तो पता आधार कार्ड पैन कार्ड इस तरह चेक करते हैं, पर जब ये आए तो कुछ भी इतना चेकिंग नहीं हुई, जब आए गए ना आराम से छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा तब से हमारे दिमाग में बैठे कि हम दोबारा भी यहीं से आएंगे हमेशा के लिए इंडिया, तब से बैठी, तब हमने शादी भी करी थी 13 मार्च को, फिर मतलब 17 मार्च में रिटर्न चली गई वापस, बच्चे वहीं मेरी चाची के पास थे, तो दोबारा अब मैं आई 10 मई को वहीं से निकले 13 को इंडिया पहुंच के 3 दिन के अंदर। सीमा ने बताया कि हाल ही में उन्होंने नेपाल के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली थी, फिर भी अब वो यहाँ सचिन के साथ कोर्ट मैरिज करेंगी। उसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाए कि उसे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान गए तो उसे वहाँ मार डाला जाएगा। अब वो हमेशा के लिए सचिन के साथ ही रहना चाहती हैं, वो भारत में ही अपना जिंदगी बिताना चाहती हैं और वो भारत में ही अपना आखिरी सांस लेना चाहती हैं। वही दूसरी तरफ सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, जबकि सीमा का कहना है कि गुलाम से वो 4 साल से अलग रह रहे हैं। शादी के बाद से ही वो उसके साथ मारपीट करता था, कई बार उसने उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंका है, वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्या भारत सरकार उसे पाकिस्तान भेज देता है या फिर भारत में ही रहने का इजाजत दे देता है। अब आपको इस वीडियो पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आप खुद ही सोचें कि इस मामले पर कौन सा फैसला सही होगा, क्या वाकई में सीमा को भारत में रहने की इजाजत देना सही होगा या फिर उसे वापस पाकिस्तान भेजना सही होगा। जो भी आपको लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।